Hello. कारण हेलो तो हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गेट वाला पे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी गेट एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से चल रही है और आप लोग बहुत तगड़े तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसी तैयारी में आप सभी का हेल्प करने के लिए और योगदान देने के लिए आप सभी को सपोर्ट करने के लिए फास्ट ट्रैक सीरीज मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने सभी सब्जेक्ट्स की अच्छे से अटेंड की है और आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है थीके? आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को थोड़ा परेशान तो करता है लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा इन क्लासेस में इस फास्ट ट्रैक कोर्स में वो ये रहेगा कि आप सब को हेल्प करें और आप सबका आप सबका एक रिवीजन टाइप का करा दें इस कोर्स के माध्यम से ठीक है तो जो भी बच्चे हैं जिनका कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुका है इस कोर्स में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन करा दूं और आपको सारे इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज करा दूं ठीक है मैं आप लोगों को कोई भी बहुत एक्स्ट्रा कोई बाहर के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं आपको पीवाई क्यूज करा दूं क्योंकि आपको पता है कि यार पीवाई क्यूज रिपीट होते हैं उनके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं ठीक है सो हमारा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के बाद फिर उससे रिलेटेड पीवाई क्यूज कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट सारे पीवाई क्यूज हम क्लास में डिस्कस कर लें तो जिससे आपके पीवाईक्यूज क्यूज कवर हो जाएं और वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए तो स्टार्ट करते अपना सेशन जैसा कि आप सभी को बताए कि आज हम लोग नमस्कार आज हम लोग ए एम एफ एम ही करने वाले एम और एफ एम ही करने वाले तो ए एम एफ एम में आप ये मत समझना कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा नहीं मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड पीवाई क्यूज हम फिर करेंगे तो यही हमारा पूरा वो रहेगा क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्स है तो हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जा सकते ऑब्वियस सी बात है तो हमारा जो फोकस है वो है कि हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखें इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कर लें और फिर पीवाई क्यूज कर लें दैट विल बी द पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट या दैट विल बी द होल स्ट्रैटेजी ऑफ दिस फास्ट ट्रैक कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम तो जैसा मैंने आपको बताया मैं वो चीज यहां पे लिख भी देता हूं तो हम इस कोर्स में मोस्टली कोशिश करेंगे कि सारे पीवाई क्यूज कवर हो जाए हमारे हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं ठीक है ना और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करा ठीक है ना? नॉट बी इन डिटेल हम कोशिश करेंगे कि सारे PYQs के से related concepts और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो जाए क्लास के अंदर ठीक है तो आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना ए एम वाला पार्ट कवर हो जाए ए एम वाला पार्ट कवर हो जाए ठीक है ना एम के अंदर हमारा डीएसबीएससी एस फुल कैरियर मेरे ख्याल से इतना ही हो पाएगा आज ठीक है ना इनका मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन ठीक है ना और वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब हम लोग कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में कवर कर लें ठीक है रिवीजन के माध्यम से आप इस सब्जेक्ट को या इस कोर्स को लीजिएगा कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए यहां से ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपने इस को नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि यार आप सभी लोग इस बार गेट एग्जाम में फोड़ने वाले ठीक है ना ध्रुव यार मेरे हिसाब से आप अगर जितना आपने कवर कर लिया वो रिवाइज कर लो और जितना बचा हुआ टॉपिक है उसके कंसेप्ट सीख लो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मैप रूल नहीं पढ़ा आप दे दूंगा, पेपर में आते हैं। तो हमारा जो मकसद है ना वो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने का है। तो वही यहां पर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की ठीक है ना क्योंकि लिमिटेड टाइम है तो डोंट एक्सपेक्ट में आपको पूरा सिलेबस कवर करा सकू नॉट पॉसिबल वो आप भी समझते होंगे ठीक है लेकिन मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सारे पीवाईक्यूज क्यूज यहां पे जरूर करा दूंगा तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएसबीएससी से ठीक है ना ओके तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डीएसबीएससी से डबल साइड कैरियर इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा एक मॉड्यूलेशन होता है कि एक कैरियर सिग्नल होता है हाई फ्रीक्वेंसी का और एक मैसेज होता है लो फ्रीक्वेंसी का दोनों को सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना होता है अब यहां पर दो चीजें लिखी जाती हैं जनरली आप देखोगे या तो यहां पे लिखा होगा बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर लेकिन या फिर यहां पर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर याद रखिएगा दोनों का एक ही मतलब है सवालों में कभी कभी कुछ कुछ यूज किया जाता है लेकिन हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए ठीक है तो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर इसमें हम एक मैसेज दे देते हैं ये हमारा मैसेज है और एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर दे देते हैं सीटी तो यहाँ पर हमें दोनों का प्रोडक्ट मिल जाता है सिमिलरली यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं कैरियर दे देते हैं और यहां पर हमें एक मैसेज मिल जाता है प्रोडक्ट मिल जाता है एम टी कॉसोमेगा सिटी यही है हमारा एक तरह से क्योंकि यहां पर हमारे सी डबल साइड होते क्योंकि यहां पर हमारे पास दो साइड बैंड होते, होते हैं और हमारे पास कैरियर नहीं होता ठीक है इसको समझने के लिए मैं आपको जल्दी से साइड बैंड का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मान लीजिए हमारा कोई मैसेज है ठीक है इस मैसेज का ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है एम ओमेगा मान लेता हूं इसको जिसकी हाइट ए है और ये माइनस बी से लेके बी तक है ओमेगा एक्सेस पर अब आप देख सकते हो इसके अंदर आप देखोगे दो पोर्शन है एक पोर्शन ये वाला पोर्शन है जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाला है और एक पोर्शन ये वाला है जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है अब आप क्या करोगे जब आप इसको कॉस ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई करते हो ये हमारा मैसेज एम टी का फोर ट्रांसफॉर्म है जब आप एम टी को कॉस ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये शिफ्ट हो जाता है एक ट्राइंगल आगे चला जाएगा और एक ट्राइंगल पीछे चला जाएगा ठीक है ये तो नॉर्मल सिग्नल सिस्टम में आप सभी ने पढ़ा होगा इसकी हाइट हो जाएगी ए बाई टू इसकी हाइट हो जाएगी ए बाई टू और ये हो जाएगा ओमेगा सी हो जाएगा ओमेगा सी यहाँ पर जो बैंडवेड था वो टू बी हो जाएगी या माइनस ओमेगा सी ये भी बैंडवेड जो है वो टू बी हो जाएगी यहाँ पे दो तीन बातें समझने की हैं मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां बता देता हूं ये वाला जो पोर्शन है जो ओमेगा सी के आगे है या माइनस ओमेगा सी से पीछे है इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड ये और ये वाला पोर्शन हम बोलते हैं अपर साइड बैंड और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड ठीक है ना तो मेरे ख्याल से ये दोनों बातें आपको क्लियर है तो इसमें क्या होता है डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर के अंदर हमारे दोनों साइड बैंड होते हैं एम टी कॉस ओमेगा सिटी के अंदर दोनों साइड बैंड होते हैं एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि कोई भी साइड बैंड आप ले लो कोई भी साइड बैंड आप ले लो ठीक है ना कोई भी साइड बैंड आप ले लो तो इस केस के अंदर आपके पास किसी भी साइड बैंड में मैसेज की पूरी इंफॉर्मेशन होती है ठीक है कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन ई साइड बैंड ठीक है ना आप किसी भी साइड बैंड में ले लो पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैसेज की मिल जाएगी नेक्स्ट इसकी जो पावर होती है जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो ये वाला सिग्नल है इसकी पावर हो जाती है मैसेज पावर डिवाइडेड बाय टू ठीक है ना मैसेज पावर डिवाइडेड बाय टू और यहां पर अगर हम ईच साइड बैंड की पावर की बात करें तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो दोनों साइड बैंड की पावर है पी एम बाई दोनों साइड बैंड की पावर है पी एम बाई और अगर हम सिंगल साइड बैंड की पावर करेंगे तो वो इसका भी आधा हो जाएगा दैट इज बाई फोर ठीक है यहां पर सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों साइड बैंड होते हैं इसके अंदर दोनों साइड बैंड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है पावर हो जाती है इसके अंदर पीएम बाई टू ई साइड बैंड की पावर हो जाएगी पीएम बाई फोर सॉरी पीएम बाई फोर उसके बाद जो बैंडविड्थ हो जाती है यहां पर वो हो जाती है टू टाइम्स द मैसेज बैंडविड्थ और लास्ट एक पॉइंट और है ठीक है ना सारे पॉइंट्स हो गए मुझे लग रहा है है ठीक ना तो एक बात आप सारी बातें देख सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ये हमारा एक तरह से पूरा का पूरा डीएसबीएससी के बारे में मैंने यहां दिया दोनों साइड बैंड होते हैं इसके अंदर हर एक साइड बैंड में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है जरूरी नहीं है कि आपको दोनों ही साइड बैंड भेजें जैसे सिंगल साइड बैंड में हम सिंगल साइड बैंड भेजेंगे ठीक है तो पावर हो जाती है पीएम बाई टू हो जाती है हर एक या की 4, और बैंडवर्स हो जाएगी सीखनी है, okay, यहाँ देखनी है. इसके बाद हम आगे चलते हैं ठीक है तो मॉड्यूलेटर जैसे मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलेटर हमें कुछ नहीं करना है सिंपल से हम मल्टीप्लाई करना है ठीक है और यहाँ पर डी एस मॉड्यूलेटर तीन चार प्रकार के होते हैं मैं आपको तीनों चारों करा के देखता हूँ ठीक है ना मॉड्यूलेटर इज अ सिंपल मल्टीप्लायर ठीक है ना मॉड्यूलेटर इज अ सिंपल मल्टीप्लायर ठीक है ना मॉड्यूलेटर जो है वो सिंपल मल्टीप्लायर होता है इसमें आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए अब यहां पर तीन प्रकार के होते हैं मैं आपको तीनों प्रकार के बताता हूं थोड़ा सा दिमाग में आपको होना चाहिए कि ये किस किस प्रकार के रहते हैं एक होता है सिंगल बैलेंस्ड एक होता है डबल बैलेंस्ड एक होता है अनबैलेंस्ड। पढ़ा है आप लोगों ने इसके बारे में कभी तो ये तीन प्रकार के मॉड्यूलेटर्स होते हैं डीएसबीएससी के अब इसमें क्या रहता है कि ठीक है ना कैरियर का एम्पलीट्यूड हम वन भी कर सकते हैं टेन भी कर सकते हैं ट्वेंटी भी कर सकते हैं उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो कैरियर का एम्पलीट्यूड ए करना है तो भाई यहां पर ए से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है ना यहां पर भी फिर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो पावर हो जाएगी वो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी बस बाकी सब सेम रहेगा ठीक सिंपल सी बात अब यहां पे देखिए सिंगल बैलेंस डबल बैलेंस और अनबैलेंस क्या होते हैं देखिए जैसे हमारे पास अगर कोई भी मॉड्यूलेटर है तो जैसा आपको पता है क्या मॉड्यूलेटर के अंदर यहाँ पर हम मैसेज देंगे और एक कैरियर देंगे मतलब दो सिग्नल्स देंगे एक मैसेज और एक कैरियर अब मॉड्यूलेटर क्या करेगा मॉड्यूलेटर यहाँ पे अलग अलग सिग्नल जनरेट करता है उसके बाद आप बैंड पास फिल्टर लगा के यहाँ पे एम सिग्नल ए कॉस ओमेगा या ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी निकाल लेते हो वैसे एक तरह से बैंड पास फिल्टर मॉड्यूलेटर का पार्ट है बट दिखाने के लिए मैंने इसको बाहर दिखाया तो आप क्या करते हो बैंड पास फिल्टर लगा के उसको आप बाहर निकाल लेते हो अब यहां पे अगर आप देखो तो हमें देखना है कि एट द इनपुट ऑफ द बैंड पास फिल्टर इनपुट ऑफ द बैंड पास फिल्टर अगर हम बात करें तो इनपुट ऑफ द बैंड पास फिल्टर पे इनपुट ऑफ द बैंड पास फिल्टर पे अगर हमें क्या क्या मिलता है उसके माध्यम से हम बताते हैं सिंगल बैलेंस्ड है डबल बैलेंसड है या अनबैलेंस्ड है, है तो इनपुट ऑफ द बैंड पास फिल्टर अगर इनपुट ऑफ दी बैंड पास फिल्टर पे जो भी दो इनपुट हम दे रहे हैं दोनों में से कोई भी यहां पर अवेलेबल नहीं है दोनों गायब है एक तरह से ठीक है ना इफ बोथ द इनपुट आर एबसेंट दोनों ही इनपुट्स अगर एबसेंट है यहां पर एबसेंट मतलब ना तो यहां पे आपको मैसेज एम मिल रहा है खाली ना ही आपको कॉस मिल रहा है इसका मतलब वो डबल बैलेंस है अगर दोनों गायब हो गए डबल बैलेंस मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा ठीक है ना डबल बैलेंस ठीक है अगर एनी वन ऑफ द इनपुट्स आर एबसेंट देन इट इज सिंगल बैलेंस्ड ठीक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा आपको ठीक है ना और इफ नो इसका मतलब यहां पर मैसेज एम टी भी आ रहा है एम टी भी खाली बैठा हुआ है और कॉज भी है बाकी और बहुत सारे टर्म्स होंगे मल्टीप्लायड होंगे या बहुत सारे टर्म्स होंगे लेकिन एम टी और कॉज दोनों आ रहे हैं बैंड पास फिल्टर के इनपुट में इसका मतलब इस मॉड्युलेटर ने इन दोनों को नेग्लेक्ट नहीं किया है और दोनों को यहां पे लेके है साथ में और भी टर्म्स होंगे प्रोडक्ट टर्म्स होंगे जो हमें चाहिए होंगे ऑब्वियसली तो उस केस में हम इसको बोलेंगे ठीक है ना तो ये तीन बातें हमारे पास ठीक है ना ओके डबल बैलेंस सिंगल बैलेंस एंड अनबैलेंस डबल बैलेंस मतलब दोनों के दोनों कॉस और मैसेज यहां पर नहीं आएंगे सिंगल बैलेंस मतलब दोनों में से कोई भी एक आएगा अनबैलेंस मतलब दोनों ही नहीं आ रहे दोनों ही आएंगे दोनों, दोनों, दोनों आ रहे हैं ठीक है इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं डीएसबीएससी के बहुत सारे मॉड्यूलेटर होते हैं जैसे कि हमारे पास नॉन लिनियर मॉड्यूलेटर है तो नॉन लिनियर मॉड्यूलेटर एक एग्जाम्पल जल्दी से हम देख लेते हैं वैसे तो मैं आपको तीनों बताऊंगा नॉन लिनियर स्विचिंग मॉड्यूलेटर और रिंग मॉड्यूलेटर तीन ही होते हैं वैसे इसके तीनों हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए तो मान लीजिए कोई नॉन लीनियर डिवाइस है जिसका आउटपुट हो ए एक्स प्लस बी तो आपने यहां पर इसको इनपुट दिया एम टी प्लस कॉस ओमेगा सी टी तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा ए टाइम्स ऑफ एम टी प्लस कॉसोमेगा सी टी आ जाएगा दूसरा हम यहां पर देंगे ये भी नॉन लीनियर डिवाइस है हमारे पास यहां पर हम देते हैं कॉसो omega सी टी तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा ए टाइम्स ऑफ देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है जस्ट रिमेंबर कि भाई मेथड क्या होता है आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है सर नॉन लीना मॉड्यटर कैसे काम करता था जरूरत ही नहीं है आपको सवाल में दिया जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि आउटपुट क्या आएगा ठीक है ना तो आपको याद करने की ऐसा कुछ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आप क्या करोगे इसको और इसको लेके ऐड कर दोगे ठीक है ऐड कर दो जब आप इसको ऐड करोगे तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इधर प्लस साइन डाल देते हैं इधर माइनस डाल देते हैं ऐसा कर देते हैं तो आप देखोगे जब ऐसा आप करोगे तो इसमें पूरे पे एक माइनस साइन आ जाएगा यहां पर आप देखोगे तो इसमें माइनस आएगा इस पर इस आएगा, इस प्लस आ जाएगा तो इट विल टू बी एम टी कॉसोमेगा यहाँ पे माइनस टू बी एम टी आएगा लेकिन नेगेटिव होने की वजह से दोनों एड हो जाएंगे तो फोर बी एम टी कॉस ओमेगा सी टी आ जाएगा अब आप बोलोगे यहां पर डीएसबीएससी के लिए हमें एक्चुअली ये वाली टर्म एक्सट्रैक्ट करनी है ये वाली टर्म एक्सट्रैक्ट करनी है तो आप क्या करोगे जो भी आएगा उसको बैंड पास फिल्टर में डालकर अपनी डिजायर टर्म को बाहर निकाल लोगे कि भाई ये चीज बाहर आ गई हमारे पास ठीक है ना और ये हमें मिल जाएगा फोर बी एम टी सोमेगा लेकिन अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करो जो चीज मैंने अभी आप आपको समझाई थी कि जो हमारे पास जो बैंड पास फिल्टर का इनपुट है जो बैंड पास फिल्टर का इनपुट है उसके इनपुट में आपको यहां पर एक मैसेज नजर आ रहा है आप देख रहे हो आपने इनपुट पर एम वाली टर्म दी थी बैंड पास फिल्टर के इनपुट में भी आपको एम टी नजर आ रही है लेकिन हमने जो इनपुट में कॉज दिया था वो कॉज यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है खाली बैठा हुआ या अकेला बैठा हुआ लोनली बैठा हुआ यहाँ पर हमें एम नजर आ रहा है और दोनों का प्रोडक्ट नजर आ रहा है लेकिन कॉस वाली टर्म नजर नहीं आ रही है इसका मतलब ये जो मॉड्यूलेटर पार्ट है ये वाला जो हमारा पूरा सिस्टम है उसने कॉस को तो हटा दिया लेकिन एमटी को नहीं हटाया तो ये कौन सा बना सिंगल बैलेंस या डबल बैलेंस जल्दी बताइए सिंगल बैलेंस या डबल बैलेंस तो आप देखोगे आपको याद आएगा कि सर सिंगल बैलेंस्ड वो होता है जो एक सिग्नल को हटाता है इसने एक सिग्नल को हटाया इसने एक सिग्नल को हटाया इसने कॉस को हटाया एम को नहीं हटाया तो ये कौन सा बना सिंगल बैलेंस ये बना सिंगल बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर ये बना सिंगल बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर ठीक है ना ये बना सिंगल बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर ठीक है ना तो याद रखेंगे इस तरह से हमारी कहानी बनती है या इस तरह से हमारे कॉन्सेप्ट हैं ठीक है थीके? तो आपको याद रखना है कि नॉन नॉली मॉड्यूलेटर सिंगल बैलेंस होता है नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सिंगल बैलेंस होता क्या है ठीक है ना चलो गुड है बहुत बढ़िया अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके और भी मॉड्यूलेटर्स होते हैं ठीक है ना स्विचिंग मॉड्यूलेटर स्विचिंग मॉड्यूलेटर के अंदर हम यहाँ पे एक स्विच टाइप का यूज करते हैं जिसका हम डायोड स्विच बोलते हैं तो इस तरह से एक सर्किट रहता है या एक पूरा अरेंजमेंट रहता है मान लीजिए यहाँ पर मैसेज एम पी है यहाँ पे चार डायोड का एक स्विच यूज करते हैं ओके okay. सो so, इस तरह से कुछ ये बनता है इसका सर्किट रहता है ठीक है से आगे इसके वगैरह थे तो सही ठीक है चलिए मैं यहीं पे कर देता हूं ठीक है देखिए तो आप देखेंगे इस तरह से कुछ सेटअप रहता है ठीक है अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे एक कैरियर लगा देते हैं यहाँ पे हम जो सिग्नल लगाते हैं वो कैरियर सिग्नल लगाते हैं बहुत हाई एम्पलीट्यूड का एक और सोमेगा सिटी ठीक है और यहां पे हम मैसेज लगाते हैं एम अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जब हमारा कोसाइन वेव एम्पली पॉजिटिव होगा यहां पर अगर हम देखें तो इसकी वर्किंग अगर आप समझो या रिकॉल करो समझो या रिकॉल करो तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इफ कॉस इज पॉजिटिव अगर कॉस पॉजिटिव है तो आप देखोगे कॉस पॉजिटिव होने पर यहां पे पॉजिटिव वैल्यू और यहां पर नेगेटिव हो जाएगा आप देख सकते हो ये दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे क्योंकि दोनों के टर्मिनल पे पॉजिटिव सिग्नल आ जाएगा और यहाँ पे दोनों के एन पे नेगेटिव आ जाएगा तो ये दोनों भी ऑन हो जाएंगे एक तरह से तो ये पूरा का पूरा स्विच जो है वो ऑन हो जाएगा और जो वैल्यू या जो सिग्नल यहाँ पर है वही यहाँ पर आ जाएगा आप फिर से देखो अगर कॉस्ट पॉजिटिव है पॉजिटिव होने पर ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव तो दोनों डायोड ऑन ये नेगेटिव तो दो डायोड ऑन पूरा स्विच ऑन हो जाएगा तो उस केस में अगर कॉस पॉजिटिव है तो हमारा जो वाई टी हो जाएगा वही मैसेज के बराबर हो जाएगा लेकिन अगर कॉस्ट नेगेटिव है अगर नेगेटिव हो गया तो उस केस में आप देख सकते हो ये डायोड ऑफ हो जाएंगे क्योंकि इसके पी टर्मिनल पर नेगेटिव आ जाएगा और ये डायोड भी ऑफ हो जाएंगे तो ये हमारे दो डायोड ऑफ हो जाएंगे और वाई टी हमारा जीरो हो जाएगा तो एक तरह से आप देख सकते हो कि क्वस टू एम टी वेन कॉस इज पॉजिटिव एंड जीरो नेगेटिव ठीक है ना इस तरह से कुछ हमारा वाई टी बन जाएगा अब यहां पर अगर हम देखें अगर हम अपनी कॉस वेव को देखें इस तरह से हमारी कोसाइन वेव बनती है ठीक है ना ये हमारी कोसाइन वेव है तो आप देख सकते हो कि भाई इस रीजन के अंदर हमारा वाई टी एम टी के बराबर है फिर यहां जीरो है फिर वाई टी एम टी के बराबर है फिर यहां जीरो है एंड सो ऑन तो अगर हम इस कोसाइन वेव को यूज करके एक रेक्टेंगुलर वेव बना लें समझने के लिए कि यहां पर हमारे पास रेक्टेंगुलर वेव वन हो जाएगी इस रीजन में रेक्टेंगुलर वेव जीरो हो जाएगी फिर यहां पर रेक्टेंगुलर वेव वन हो जाएगी फिर यहां पर रेक्टेंगुलर वेव जीरो हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि वाई टी इज इक्वल टू एम टी मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू टी डब्ल्यू टी इज दिस रेक्टेंगुलर वेव ये ऐसी रेक्टेंगुलर वेव है जो कि वन हो जाएगी जो कि वन होगी वन कोसाइनस पॉजिटिव और जीरो हो जाएगी वेन कोसाइन इज नेगेटिव फिर ये वन हो जाएगी वेन कोसाइन इज पॉजिटिव फिर जीरो हो जाएगी कोसाइन इज नेगेटिव तो इसको देखते हुए हमने वाई टी निकाल लिया ठीक है ना ये सब आप लोगों को ध्यान होगा ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ यही मेरा मोटिव भी है ठीक है ना तो आप देख सकते हो कि हमारे पास कोसाइन वेव और ये डब्ल्यू टी हमने बना ली अब डब्ल्यू टी को हम क्या करेंगे फोर ईयर में लिखेंगे तो आप बोलोगे फोर ईयर में लिखेंगे तो डब्ल्यू एम टी हो जाएगा डब्ल्यू टी आ जाएगा हमारा वन बाई टू टू बाई पाई सी टी टू बाई थ्री पाई थ्री ओमेगा सी टी एंड सो ये हमारा वाई टी आ गया अब यहां पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा एम टी बाई टू टू बाई पाई एम टी कॉस ओमेगा सी टी एंड डैश ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स होंगी लेकिन अब हमें ये वाली टर्म एक्सट्रैक्ट करनी है तो इस वाली टर्म को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर से बैंड पास फिल्टर लगाया जाएगा और बैंड पास फिल्टर जब लगा रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि बैंड पास फिल्टर के इनपुट पे एक एम वाली टर्म तो है Cosine टर्म खाली तो नहीं बैठी मल्टीप्लाई में आ रही है लेकिन एम वाली टर्म खाली बैठी है इसका मतलब ये वाला भी सिंगल बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर है क्या करोगे यहां पर एक बैंड पास फिल्टर लगा दोगे बैंड पास फिल्टर क्या करेगा बैंड पास फिल्टर आपको निकाल के दे देगा टू बाई पाई एम टी सीटी इस तरह से काम करता है ठीक है ना ये हमारा पूरा कनेक्शन या पूरा काम ये इस तरह से होगा तो ये वाला भी एक तरह से सिंगल बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर है ठीक है ना स्विचिंग मॉड्यूलेटर इज ऑल्सो सिंगल बैलेंस यहां तक सब सही है समझ में आ रहा है एक बार जल्दी से बताना रिकॉल रिकॉल हो रही है सारी बातें आर यू एबल टू रिकॉल जितना भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ठीक है ना तो हमने क्या क्या पढ़ लिया नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर पढ़ लिया और हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर देखा बैलेंस मॉड्यूलेटर देखा ये भी सिंगल बैलेंस मॉड्यूलेटर है ठीक है ना अब आगे चलते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हैं मुझे लगता है कि यहां तक सब कुछ सही है अब देखिए तो एंड पावर हम ऑलरेडी कर चुके हैं डीएसबीएससी की तो इसमें कोई दिक्कत नहीं अब हम देखते हैं रिंग मॉड्यूलेटर रिंग मॉड्यूलेटर रिंग मॉड्यूलेटर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से रहता है यहां पे हमारा एक ट्रांसफॉर्मर टाइप का रहता है यहां पे हमने मैसेज लगा दिया एम ओके okay. अब यहां पे देखिए इस तरह से रहता था रिंग मॉड्यूलेटर आप सभी को ध्यान होगा इसका सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट भी है आपको पता होना चाहिए ये क्या है अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको बताएं कि यार, अगर हम इनको को नंबर D1, D2. अब यहां पे अगर आप देखोगे तो अगर एम टी हमारा अगर हमारी पॉजिटिव है।, है तो आप देख सकते हो कि ये वाली टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगी ठीक है ना कोसाइन वेव अगर पॉजिटिव है तो ये वाली जो ये वाली जो लोकेशन है वो हाईली पॉजिटिव हो जाएगी ऐसा होने पर डी वन डी टू ऑन हो जाएंगे डी वन डी टू ऑन होने पर आप देख सकते हो जो एम टी है वो यहाँ पे इंड्यूस होगा ये दोनों डायोड ऑन होंगे तो ये दोनों यहाँ पे वाई टी में इंड्यूस कर देंगे मैसेज को तो अगर कॉस्ट पॉजिटिव है तो हमारा वाई टी जो है वो एम टी के बराबर हो जाएगा ठीक है अब यहां पे अगर हम देखें कॉस अगर नेगेटिव है कॉस अगर नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में आप देख सकते हो ये वाली लोकेशन नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली लोकेशन हाईली पॉजिटिव हो जाएगी जिसकी वजह से D3 और D4 ऑन हो जाएंगे और अब आप देखोगे जब D3 D4 ऑन हो जाएंगे तो MT का नेगेटिव इससे कनेक्टेड है MT का पॉजिटिव इससे कनेक्ट हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा उस केस में हमारा जो YT आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस एम टी ठीक है ना तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये इस तरह से कुछ कनेक्शन बना है इसका और ये हमारा रिलेशनशिप भी बन गया अब यहां पे अगर हम देखें तो कॉस ओमेगा सी टी या फिर अगर हम देखें hmm. तो वाई टी इज इक्वल टू एम टी हम क्या कर सकते हैं हमारी जो कोसाइन वेव है उसको यूज करके या उसको देखते हुए हम एक स्क्वायर वेव टाइप की बना सकते हैं जो कि कुछ इस तरह से बनेगी कि यार यहां पर हमारी स्क्वायर वेव पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि जब हमारी कोसाइन वेव पॉजिटिव है तो वाई टी जो है एम टी के बराबर है तो यह मैंने वन के बराबर कर दिया है यहां पर मैंने माइनस वन कर दिया है फिर इधर मैंने वन कर दिया है फिर माइनस वन कर दिया एंड एंड ऑन ऐसे करके तो आप देख सकते हो वाई टी हो जाएगी एम टी मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू टी और डब्ल्यू टी क्या है ये हमारी वेव जो कि वन है वेन कॉस इज पॉजिटिव माइनस वन है वेन कॉस इज नेटिव फिर इस तरह से ऊपर नीचे और आप देखोगे इसकी फोर सीरीज अगर निकालोगे फोर बाय पाई कॉस ओमेगा सी टी फोर बाय थ्री पाई कॉस थ्री ओमेगा सी टी एंड सो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारी वाई टी के अंदर ना तो एम टी की कोई टर्म है ऐसी जो खाली बैठी है ना ही कॉस की कोई टर्म है जो खाली बैठी है सबके सब मिक्स हो गए हैं यहां पर आप देख सकते हो सब कुछ मिक्स हो गया है जिसकी वजह से आप बोलोगे कि ये एक डबल बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर है ये मैंने इसलिए लिए तो लिख दिए क्योंकि आपने बहुत सारे अच्छे दो नंबर के क्वेश्चन देख, देखे होंगे जिसमें रिंग मॉड्यूलेटर या स्विचिंग मॉड्यूलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैंने इसलिए आपको ये पढ़ाया जिससे हम फोर ईयर सीरीज भी देख पा रहे हैं मतलब फोर ईयर सीरीज भी आप देख पा रहे हो और आपको ध्यान भी रखनी पड़ेगी तो आप देख सकते हो ये एक डबल बैलेंसड मॉड्यूलेटर ठीक है ना ये एक डबल बैलेंस मॉड्यूलेटर है ठीक है तो मेरे ख्याल से ये सब आपको दिमाग में क्लियर है ये मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट भी है मतलब अगर कोई दो नंबर का क्वेश्चन बनेगा ना ए एम में तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है ठीक है चलिए अब अगर हम बात करें हमने मॉड्यूलेटर पढ़ लिया मॉड्यूलेटर हमें क्या कर रहा है और ध्यान रखना है कि यार हमारे पास वाई टी जो आ रहा है वाई टी में से अपनी डिजायर्ड टर्म को निकालने के लिए वाई टी में से अपने डिजायर्ड सिग्नल को निकालने के लिए हमें यहां पर बैंड पास फिल्टर लगाना पड़ता है फिर जाके हमें यहाँ पर डी एस बी एस सी सिग्नल मिले ठीक है ना इससे एक दो नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है वो आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी की कॉज दे देगा ठीक है ना और वो पूछेगा कि नहीं साहब अब मुझे फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए कैरियर की तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर बन सकती है मतलब तो आपको ओमेगा सी चाहिए तो मिल जाएगी थ्री ओमेगा सी चाहिए तो मिल जाएगी फाइव ओमेगा सी चाहिए तो मिल जाएगी आप कैरियर फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो तो कैरियर फ्रीक्वेंसी चेंज हो करने पर आपको अपना बैंड पास फिल्टर चेंज करना पड़ेगा और आप देखोगे कैरियर फ्रीक्वेंसी चेंज होने से जो कॉफिशियंट आ रहा है वो भी चेंज हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली इस टाइप का कोई क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको मैसेज दे दे वो आपसे बोले कि यार फाइव ओमेगा सी हमारी कैरियर रखनी है

ठीक है हमने जो मॉड्यूलेटर पढ़ा वो एक तरह से प्रोडक्ट कर रहा है मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है आप नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर को देखो स्विचिंग को देखो रिंग मॉड्यूलेटर को देखो तीनों में हम मैसेज को कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यही हमारा टास्क है ठीक है डी मॉड्यूलेटर में भी ऐसे ही कुछ होता है तो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है डीएसबीएससी एम टी ओमेगा सी टी तो ये हमारे पास एक रिसीवर है मान लीजिए इस सिग्नल इसमें जाएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉसो मेगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ओ से तो ये आ जाएगा कॉस्क्वायर ओमेगा मेगा को आप ओपन कर दीजिए या जाएगा और इसके बाद अगर आप देखोगे तो बस आपको कुछ नहीं करना है अगर हम यहां पर एक लो पास फिल्टर लगा दें अगर हम यहां पर एक लो पास फिल्टर लगा दें तो अपना काम हो जाएगा क्योंकि जो कॉस टू ओमेगा सीटी वाली टर्म है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी टर्म है वो हमें चाहिए भी नहीं लो पास फिल्टर लगाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी और लो पास फिल्टर में क्या दे देगा ए एम टी बाई टू निकाल के दे देगा तो ये हमारा डी हो गया एक तरह से आप देख सकते हो मॉड्यूलेटर एंड डी आर एक्जैक्टली सिमिलर ठीक है मॉड्यूलेटर एंड डी आर एक्जैक्टली सिमिलर ये अगर डी है तो मॉड्यूलेटर क्या होता था अगर आप ध्यान रखो तो मॉड्यूलेटर क्या होता था मॉड्यूलेटर में आप क्या करते थे भाई बस इसकी जगह हम एमटी देते थे भाई इसकी जगह बस हम मैसेज देते थे यहां पे मल्टीप्लाई भी कॉस हो रही है ठीक है ना और कभी-कभी यहां पे हम बैंड पास फिल्टर भी लगा देते हैं जरूरत नहीं होती जैसे वैसे मैंने बताया कि हम लोग बैंड पास फिल्टर लगाते ही हैं चाहे नॉलीना मॉड्यूलेटर हो चाहे स्विचिंग हो चाहे जो भी हो तो बैंड पास फिल्टर तो हम जरूर लगाते हैं और यहाँ पे हमें ये मिल जाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ मिल जाता है आप देख सकते हो मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर में सिर्फ और सिर्फ फिल्टर का अंतर है ठीक है ना सिर्फ और सिर्फ फिल्टर का अंतर है ऊपर लो पास फिल्टर यूज करते हैं नीचे बैंड पास फिल्टर हम यूज करते हैं ठीक है ना समझ में आ रहा है यहां तक ये यह बार जल्दी से बताइए चले आगे परफेक्ट तो लेट्स मूव ऑन मेरे ख्याल से यहाँ तक सब कुछ ठीक है डिमोडुलेशन हमने पढ़ लिया जनरली डिमोडुलेशन से रिलेटेड एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है जो दो तीन बार आ चुका है ठीक है तो so, मैं आपको करके दिखाता हूँ उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ डिमोडुलेशन का एक कॉन्सेप्ट है जल्दी से देख लेते हैं देखिए है. अगर हम एक परफेक्ट डिमोडुलेटर को देखें ये हमारा डिमोडुलेटर है एकदम परफेक्ट है ये यहां पे हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा यहां पे हमें पता है कि क्या मिलता है और यहां पे अगर लो पास फिल्टर लगा देंगे तो अपने को ये पता है, मिलेगा क्या ये मिलता है ये हमारा परफेक्ट डीमॉड्यूलेटर है लेकिन कभी कभी क्या होता है डीमॉड्यूलेशन करते समय कभी कभी एक प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट आ जाता है कि यार हमारी ना परफेक्टली सिंकिंग नहीं होती जो ये वाली कॉस हम रिसीवर में जनरेट कर रहे हैं और जो हमारी कैरियर है हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की उसमें सिंकिंग नहीं होती हंड्रेड परसेंट तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कुछ फेज शिफ्टिंग हो सकती है दोनों के बीच में फेज मिसमैच हो सकता है ठीक है तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा ये कॉस ए कॉस बी वाला टर्म बनेगा ए बाई टू एम टी ये एक कॉस है ये कॉस है तो कॉस एक कॉस बी वाला टर्म बनेगा कॉस ए प्लस बी Cos A -B. अब यहां पे आप देख सकते हो कि जो ये वाली टर्म है ये बहुत बड़ी टर्म है ठीक है ना ये वाली टर्म है बहुत बड़ी टर्म है ठीक है और यहां पर ये यह आ जाएगा यहां पर हम लो पास फिल्टर लगाएंगे और ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी टर्म है ये नेग्लेक्ट हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा ए एम टी थीटा टू। अब थीटा इस आ, इस आ हम मान रहे हैं कि एक है 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 तो थीटा तो तो पर बस थोड़ा सा पावर हो जाता है। ये ये और तो हमने क्या है कॉन्स्टेंट माना है इस तरह से कुछ कुछ सवाल बन सकते हैं एक दो बार आप देखे हो अगर पीवाई क्यू की हो तो इस टाइप के क्वेश्चन दो तीन बार आ चुके हैं कि भाई अगर हमारा पैस शिफ्ट है तो हमें आउटपुट पे क्या पावर मिलेगी अगर हम इसकी पावर की बात करें तो इसकी जो पावर आएगी ए स्क्वायर बाई फोर इंटू पी एम आएगी और इसकी जो पावर आएगी ए स्क्वायर बाई फोर इंटू पी एम ओ स्क्वायर ठीक है ना इस तरह से कुछ कुछ बनेगा जो मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे इस टाइप से कुछ हमारा ऑफ डीएसबीएससी हो जाता है ठीक है ना सो so इस तरह से मॉड्यूलेटर हमने पढ़ लिया है हमने पढ़ लिया डीएसबीएससी के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने कवर कर ली कि इसमें डबल साइड बैंड होता है कितनी बैंड वेट लगती है ये पूरी चीज मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझ गए हैं और ये इतना ही हमें पढ़ना है इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ ज्यादा देखना भी नहीं है ठीक है ना चलिए ठीक है ये सब हमने कर लिया मॉड्यूलेटर वगैरह में आप सब पढ़ा दिए ठीक है ये सब हो गया ठीक है चलिए तो दिस इज लीनियर मॉड्यूलेटर आप देखोगे ये लीनियर मॉड्यूलेशन स्कीम होती है लीनियर मॉड्यूलेशन होता है डीएसबीएससी इज अ लीनियर मॉड्यूलेशन ठीक है क्यों लीनियर मॉड्यूलेशन होता है जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई मैसेज है एक्स वन टी उसका मॉड्यूलेटेड क्या वर्जन बनेगा ए टाइम्स ऑफ एक्स वन टी इंटू कॉस होमेगा जिसको हम y1 बोल सकते हैं या y1 t बोल सकते हैं। टू की अगर हम बात करें तो ये क्या बनेगा a टाइम्स ऑफ x2 t अगर हम ऐड कर दें दोनों को एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी कर दें तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा वो बनेगा ए टाइम्स ऑफ एक्स वन टी ये मान लीजिए वाई थ्री टी हो गया तो हम देख सकते हैं अगर हमने सिग्नल्स को ऐड किया है तो उसका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो दोनों का एडिशन है हम देख सकते हैं कि वाई थ्री इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहां पे सुपर पोजिशन लग चुकी है ठीक है ना सो so ये लीनियर मॉड्यूलेशन है एक तरह से आप कह सकते हो कि डीएसबीएससी या फिर जनरली हम बोलते हैं कि ए एम इज अनियर मॉड्यूलेशन, ठीक है ना ए एम इज अनियर मॉड्यूलेशन ठीक है सो ये हमारी कहानी है

हम तो ये चाहते हैं कि उनके बीच में फेस शिफ्ट भी ना हो आइडियली आइडियली ठीक है तो डीएसबीएससी के अंदर सिंक्रोनस मॉड्यूलेशन चाहिए उसको सिंक्रोनस डी चाहिए लेकिन अगर हम इसमें कैरियर ऐड कर दें अगर हम DSB फुल कैरियर की बात करें देस बी एस सी प्लस कैरियर तो हम कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम एनवेलप डिटेक्टर को यूज कर सकते हैं या फिर नॉन सिंक्रोनस डिमोडलेटर यूज कर सकते हैं नॉन सिंक्रोनस डिमोड्यूलेटर्स ठीक है ना नॉन सिंक्रोनस डिमोड्यूलेटर हम यूज कर सकते हैं इसको जल्दी से हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इसी को हम बोलते हैं डीएसबी फुल कैरियर या ए एम याद रखिएगा जहां पे भी ए एम लिखा आ जाए ए एम का मतलब यही है ठीक है ना ए एम का मतलब यही है डीएसबी फुल कैरियर या ए एम एक ही बात है ठीक है तो अगर हम ए एम की बात करें तो ए एम के अंदर हम कुछ नहीं करते जो हमारा सी होता है उसमें एक कैरियर ऐड कर देते हैं और ये कैरियर ऐसे ऐड किया जाता है इसके तीन फॉर्म्स होते हैं लिखने के मैं तीनों आपको बताऊंगा और इसको हम पूरी डिटेल में करेंगे क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है आप देखना एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी मॉड्यूलेशन इंडेक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वगैरह। एवरीथिंग तो we'll अब यहां देखिए हमारे पास ए है जिसमें या जिसको हम डी एस बी फुल कैरियर बोलते हैं याद रखिएगा ए का मतलब है डी एस बी फुल कैरियर ठीक है जिसमें हमने डी एस बी एस सी के अंदर एक कैरियर एड कर दिया है अब अगर हम यहां पर cos ओमेगा सी टी कॉमन ले लें आ जाएगा ए प्लस एम टी और आप देख सकते हो कि ये हमारा जो एस फुल कैरियर है इसमें एक कंडीशन होती है कि भाई इसका एनवेलप डिटेक्शन तभी हो पाएगा जब ये जो टर्म है ए प्लस एम टी ये हमेशा पॉजिटिव हो ठीक है ना डिटेक्शन के लिए हमें चाहिए ए प्लस एम टी शुड बी ग्रेटर देन जीरो ठीक है ना ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए ये वाले टर्म अब यहां से अगर हम बोलेंगे इसका मतलब a शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ एम्प्टी मैक्स ठीक है ना मोड ऑफ एम्प्टी मैक्स इससे बड़ी होनी चाहिए ठीक ये हमारी कंडीशन है फॉर एनवलप डिटेक्शन और, और यहाँ पे जल्दी से हम इसके तीन फॉर्मूले या तीन फॉर्मेशन या तीन मेथड देखते हैं लिखने के ठीक है वैसे ए एम को एम के अंदर ये सब आता है वैसे अगर आप देखोगे तो एम्पलीट्यूड के अंदर डी डी एस 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 बी 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 सी फुल कैरियर और वी आता है लेकिन किसी भी सवाल में अगर ए एम लिखा हुआ है तो ए एम का मतलब सिर्फ यही है क्योंकि डी एस बी एफ सी इज डीएसबीएसी मोस्ट पॉपुलर मॉड्युलन टेक्निक तो एम अगर कहीं पर किसी सवाल में लिखा हुआ है तो इसका मतलब डी एस बी फुल कैरियर की बात कर रहा है वो ठीक है वैसे थ्योरटिकली अगर हम बात अब अगर हम बात करें डीएस बी फुल कैरियर या एम की उसके तीन फॉर्म्स होते हैं तीनों फॉर्म देखेंगे तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल में अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा है तो आपको कैसे लिखना है सवाल में अगर एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी दे रखी है तो आपको कैसे लिखना है वो आपको आना चाहिए तो पहली नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल या बेसिक फॉर्म जिसके अंदर हम नॉर्मली एक कैरियर और एक डीएसबीएससी में डाल देते हैं और कुछ नहीं है इसमें ठीक है ना एक कैरियर और एक डीएसबीएससी दोनों साथ में डाल देते हैं एक मिनट देना अब यहां पे अगर हम देखें तो ये ये आ गया नॉर्मल फॉर्म है दूसरी है मॉड्यूलेशन इंडेक्स वाली फॉर्म मॉड्यूलेशन इंडेक्स वाली के अंदर हम एक करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइज मैसेज ठीक है तो ध्यान रखिएगा इसको ऐसे ही लिखा जाता है ए वन प्लस म्यू एम टी जनरली आप पढ़ोगे जनरली जो लोग पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ाते हैं ए इंटू वन प्लस भाई ये गलत है ठीक है यहां पे हम लिखते हैं एम कैपटी पॉस ओ मेगा सिटी याद रखिएगा इसी तरह से लिखी जाती है ए मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस म्यू इंटू एम कैप्टी अभी एम कैप्टी क्या होता है दिस इज नॉर्मलाइज्ड मैसेज और नॉर्मलाइज मैसेज हम कैसे लिखते हैं एम को अगर हम एम की मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर दें तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है एम को अगर हम एम के मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें या मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर दें तो उसको हम एम कैप्टी बोलते हैं नॉर्मलाइज मैसेज बोलते हैं याद रखिएगा जब भी आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स की फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से लिखा जाएगा ठीक है इसके बाद थर्ड होती है हमारी सेंसिटिविटी वाली फॉर्म ठीक है ना इस तरह से याद रखिएगा ये जो के ए होता है वो होता है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी सवाल में गिवन होगा और यहां पे एम टी यूज होता है एम कैप्टी यूज नहीं होता है एम टी यूज होता है ठीक है <coughs> ये तीनों फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है हम तीनों की एनालिसिस करेंगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब यहां पे अगर हम देखें तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि यार इसका ना थोड़ा सा देख लेते हैं मतलब इसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं इसमें पावर क्या होती है इंपॉर्टेंट पावर क्या होती है एफिशिएंसी क्या होती है बैंडविड्थ क्या होती है वो थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं मैंने बिल्कुल बेसिक वाली फॉर्म लिखी है ठीक है ना जिसके अंदर हमने डीएसडीएससी में ही कैरियर को ऐड कर दिया तो सबसे पहले आप देखोगे यहां पर अगर कोई मैसेज है हमारे पास कैसा भी ले लो ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर जो भी आपको ठीक लगे ठीक है अब यहां पे अगर आप देखो तो मैंने इसको मॉड्यूलेट कर दिया है। मॉड्यूलेट करने पर आपको कोसाइन का आपको एक इंपल्स और एक इंपल्स माइनस ओमेगा सी और ओमेगा सी पे मिलेगा यहां पर एक ट्राइंगल मिलेगा और यहां पर एक ट्राइंगल मिलेगा ठीक है ना ठीक है आप देख सकते हो कि यार ये ट्राइंगल की हाइट जो भी हो यहां पर ए वैसे ए और ए फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो मैं यहां से ए हटा देता हूँ नीचे वाले से मैं इसको हाइट को एच ले लेता हूं तो यहाँ पे हाइट इसकी एच बाई टू हो जाएगी यहाँ पे इसकी वर्थ टू बी हो जाएगी ठीक है ना अब ये पूरा काम हो गया हमारा कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे कैरियर है यहाँ पे हमारे पास डबल साइड बैंड है दोनों साइड बैंड आ रहे हैं ये और ये मिला के अपर साइड बैंड हो गया और ये और ये मिला के लोअर साइड बैंड हो गया ठीक है आप देख सकते हो यहां पर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कितनी है टू भी हो गई हमारी जो पावर हो गई वो कितनी हो गई अब हम देखोगे यार पावर जो अगर हम निकालेंगे तो पावर के अंदर दो कंटेंट है एक है कैरियर और एक है साइड बैंड ठीक है तो अगर हम पावर की बात करें टोटल पावर जो होगी वो होगी कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर कैरियर पावर है ए स्क्वाई टू और साइड बैंड पावर आप देख सकते हो वो है पीएम बाई टू ठीक है ना मैसेज पावर डिवाइडेड टू एंड पीएम बाई टू दो चीजें हैं आप देख सकते हो ये हमारी कैरियर पावर है ये हमारी साइड बैंड पावर है लेकिन कैरियर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कैरियर हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला है जिससे हम उसका एनवेलप डिटेक्शन कर सके यही हमारा मोटिव था ठीक है ना सो so, अगर हम देखें तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हमने देख लिया पावर हम देख रहे हैं ठीक है इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो होगी यूजफुल पावर अपॉन टोटल पावर देखो यार यूजफुल पावर मतलब हमारी एक तरह से पीएम बाई टू ए स्क्वायर बाई टू प्लस पीएम बाई टू यूजफुल पावर मतलब साइड बैंड पावर क्योंकि साइड बैंड के अंदर ही इंफॉर्मेशन है क्योंकि साइड बैंड के अंदर ही इंफॉर्मेशन है ठीक है ना क्योंकि साइड बैंड के अंदर ही इंफॉर्मेशन है तो आप देखोगे ये आ जाएगा ठीक है ना इस तरह से बन जाएगी इसकी efficiency. तो आपको का भी रटने की नहीं है अलग में अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे जनरल का फॉर्मुला तो लिखा है आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो है साइडमैन पावर डिवाइडेड बाय द टोटल पावर इट आपको इतना ही ध्यान में रखना है अब हम यहां पर तीनों फॉर्म्स की या तीनों फॉर्म्स की एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखने वाले हैं या देखने वाले हैं ठीक है तो पहले वाला फॉर्म तीनों में बैंडविड्थ तो सेम ही है बैंडविड्थ में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप बैंडविड्थ निकालोगे है ना चलेंगे? ओके। तो यहां पे हम तीनों फॉर्म्स को देख लेते हैं। एक तो हमने वैसे देख ही लिया है, बट फिर भी यहां पे कंपैरिजन के तौर पे लिख लेंगे और तीनों फॉर्म के फॉर्मुला लेके जल्दी से उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखेंगे इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है मतलब बस आपको बताओ ना जी करना क्या है स्टेप्स पता होने चाहिए तो अगर हम यहां पर एफिशिएंसी देखें तो साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर ठीक है ना आगे एफिशिएंसी एफिशिएंसी के बाद अगर हम दूसरी वाली बात करें तो दूसरे वाले में क्या था वन प्लस म्यू एम कैप्टी नॉर्मलाइज्ड मैसेज नॉर्मलाइज्ड मैसेज कैसे निकालना है मैसेज को उसके मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर देना है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको पहले ओपन करेंगे तो ए कॉस प्लस ए इंटू म्यू एम कैप टी कॉस ओमेगा सी टी बनेगा, t, बनेगा. तो यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी देखेंगे तो आप बोलोगे साइड बैंड पावर मतलब इसकी पावर दैट इज ए कैप डिवाइडेड बाय टू याद रखिएगा पी एम कैप मतलब इज मैसेज की पावर तो आपको मैसेज को पहले नॉर्मलाइज करना है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करके और फिर उसकी पावर है पावर निकालना आप सबको आता होगा डिवाइडेड बाय द टोटल पावर दैट इज कैरियर पावर प्लस द साइड बैंड पावर अब देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे a स्क्वायर आप सब जगह से काट सकते हो बाई टू भी सब जगह से काट सकते हो तो ये बचेगा म्यू स्क्वायर पी कैप अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर पी कैप दिस इज दी एफिशिएंसी ठीक है ना एक बार आप चेक करिए और लास्ट वाला भी देख लेते हैं ठीक है ना, ना हो जाना चाहिए नीतीश भाई सिलेबस तो सेम ही है थोड़ा सा ही आप लोगों का कम है बल्कि ठीक है ना और यहाँ पे अगर हम देखेंगे लास्ट वाला के एम टी होता है और यहां पर कोई नॉर्मलाइज मैसेज नहीं होता के ए एम टी होता है बस तो ये आ जाएगा ए कॉस ओमेगा सी टी तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी द यूजफुल पावर और साइड बैंड पावर यहाँ पे आप ए स्क्वायर बाई टू सब जगह से काट दीजिए तो ये बचेगा ए ए स्क्वायर इंटू पी एम ये हमारी अपील तो इस तरह से हमारे कुछ फॉर्मूले बनते हैं जो मुझे लगता है कि आप सभी को ध्यान में होने चाहिए ये रटने नहीं है ऐसा नहीं है कि आप याद कर रहे हो आपको बस तीन फॉर्म पता होनी चाहिए किसमें नॉर्मलाइज है किसमें नहीं है और हमारी एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला बनता है वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं ठीक है ना इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे अब अगर हम मॉड्यूलेटर की बात करें या, या डी की बात करें तो बहुत ही सिंपल है सर तो मॉड्यूलेशन में तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है आपको कुछ नहीं करना है डीएसबीएससी क्रिएट करना है उसमें कैरियर ऐड कर देना है तो अगर हम मॉड्यूलेटर की बात करें जिसको हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि सर यहां पे आपको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगाना है जो आपको दोनों सिग्नल्स के प्रोडक्ट का वो दे दें मतलब दोनों सिग्नल्स का प्रोडक्ट दे दे एम टी ठीक है दोनों का ये प्रोडक्ट हो जाएगा अब ये प्रोडक्ट हो जाएगा यहां पर इसमें बस क्या करना है कैरियर ऐड कर देना है तो यहां हमें मिल जाएगा एम सिग्नल ठीक है ना ए एम सिग्नल हो जाएगा ठीक है और जब कभी भी अगर आपको जैसे मैंने बताया था पीछे चलते मिनट को यहां पे जैसे मैंने आपको तीन फॉर्म्स बताई थी कभी भी आपको मॉड्युलेशन इंडेक्स निकालना है <coughs> तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज कभी भी आपको अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है तो आप अपने सिग्नल को या जो भी आपका टर्म है ये है लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है आप उसको कन्वर्ट कर लो पहले वाली फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ठीक है जब भी आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो उसको आप सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस जो भी टी आ रहा है जो भी मैसेज आ रहा है यहाँ पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय ए ध्यान रखिएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है किसी भी फॉर्म में दे रखा है उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके म्यू का फॉर्मूला लगा दो ठीक है ना हो जाएगा हो जाना चाहिए जय भैया अगर आपने कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ाए तो कॉलेज में ठीक है इस तरह से यहाँ से हम इसको जनरेट कर सकते हैं तो मॉड्यूलेशन तो बहुत ही सिंपल है कि डी एस बी एस सी के अंदर हमें कैरियर ऐड करना है ठीक है डी अब डी के दो तरीके होते हैं दोनों में आपको बताने की कोशिश करता हूं डी मॉड्यूलेशन अगर हम बात करें तो यहां पे दो मेथड्स होते हैं एक होता है सिंक्रोनस एक होता है ए सिंक्रोनस सिंक्रोनस का मतलब यह है कि जो हमने पढ़ा था अभी कि भाई हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है हमने डी में इसको कॉस ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद एक बैंड पास फिल्टर लगा दिया सॉरी लो पास फिल्टर लगा दिया तो आज हम लोग क्या करते हैं एएम एम तो मुझे लगता है खत्म हो जाएगा थ्योरी पार्ट तो कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके पीवाईक्यूज़ क्यूज ठीक है और कोशिश करेंगे कल हमारा एफ का भी इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो जाए उसके पीवाईक्यूज़ क्यूज हम कर लें तो ये हमारा टारगेट रहेगा इस तरह से ठीक है ओके तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको तो यहां पे आ जाएगा ए प्लस एम टी इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा मेगा जिसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हो डिवाइडेड बाय टू ठीक है इस तरह से हमने छोटा सा एक वो, तो पास फिल्टर में थोड़ा छोटा कर देता हूँ ठीक है तो आप देख सकते हो कि यार ये जो टर्म है ना ये कॉस टू ओमेगा सिटी बहुत बड़ी टर्म है तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा ए प्लस एम टी और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तरह से मैसेज ये आ गया हमारे पास कोई परेशानी वाली बात नहीं है तो वी हैव गॉट द मैसेज एट द आउटपुट ये सिंक्रोनस है

ओके, okay, so यहां पे अगर आप देखोगे तो सिंक्रोनस के अंदर कोई कंडीशन नहीं है जैसे हम मैंने अभी बताया था कि एनवेलप डिटेक्शन के लिए ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन सिंक्रोनस मॉड्यूलेशन के लिए सिंक्रोनस मॉड्यूलेशन के लिए नो कंडीशन ऑन ए ठीक है ना ए पर कोई कंडीशन नहीं है ठीक है के लिए कोई कंडीशन नहीं है। एक एग्जाम्पल करके बताता हूं देखो ध्यान से देखना तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार मुझे तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताओ आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स ठीक है और हमारा जो मैसेज है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि सर फाइव कॉस ओमेगा सी टी प्लस टी एम टी कॉस ओमेगा सी और यहां पे आपको एम टी दे रखा है टू कॉस ओमेगा एम टी ऐसा करके दे रखा है फाइंड म्यू तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सर म्यू तो होता है ये हमारा कैरियर है ये हमारा मैसेज है तो आप बोलोगे सर म्यू क्या होता है कि भाई मैसेज की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय फाइव नहीं भैया ये गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया था कि इस पूरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले आप मैसेज उठा के यहां पे डाल दो तो ये क्या बन जाएगा 5 cos ओमेगा सीटी 6 cos ओमेगा एमटी Cos omega ct. अब आप अपनी अगर नॉर्मल या बेसिक फॉर्म से कन्वर्ट कंपेयर कर, करोगे बेसिक फॉर्म से कंपेयर करोगे बेसिक फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली में ये हमारा मैसेज बन गया है अब एक्चुअली में बेसिक फॉर्म में ये हमारा मैसेज होता है ए कॉस ओमेगा सिटी प्लस एम टी कॉस ओमेगा सिटी तो अब हमारा ये जो मैसेज है वो ये है हमारा जो म्यू बनेगा वो आएगा मैसेज की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय ए दैट डिड एज एक बार देखिए सही है ना तो इस तरह से आपको करना है मतलब आपको जैसे मैंने बताया याद नहीं करना है कुछ भी कि सर उसके संग ए होता है नहीं होता है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी होती है मुझे कुछ याद ही नहीं करना मुझे अपनी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके नॉर्मल फॉर्म को यूज करके चीजें देखनी है ठीक है ना चलिए तो मेरे ख्याल से यहां तक आप समझ गए हो चलिए आगे चलते हैं एक सवाल है शायद ओके okay, तो so यहां पे हमें दे रखा है कि एक ए एम सिग्नल है उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो भी हमें मिल रहा है अपने ऑसिलोस्कोप पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दी वैसे यहां पे होना चाहिए ऑफ दी एनवेलप ठीक है फ्रॉम दी ग्रेटिक्यूल ऑफ दिलोस्कोप इज डिसाइव पॉइंट नाइन डिविजन मैक्सिमम और ये मिनिमम ठीक है ना और यहां पर हम ले रहे हैं सिंगल टोन मॉड्युलेशन सिंगल टोन मॉड्युलेशन मतलब हमारा जो मैसेज है वो तो कोसाइन या साइन वेव है सिंगल टोन मॉड्युलेशन मतलब जो हमारा मैसेज है वो कोसाइन या साइन वेव है तो so, हमारा जो ए एम सिग्नल बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा तो बोलोगे सर ए कॉस ओमेगा सी टी बेसिक फॉर्म से ही हमेशा देखना है मैसेज आप उठा के डाल दो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सिंगल टोन है तो आप उठा के सिंगल टोन डाल दो क्या जाएगा ए कॉस ओमेगा सी टी बस ए एम मैसेज को मैं ले रहा हूँ ए एम कॉस ओमेगा एम टी यहाँ पे आप कॉस ओमेगा सी टी कॉमन ले लो अब अगर ये हमारा एनवेलप है तो अब इसके बारे में ये कह रहा है कि भाई जो एनवेलप है उसकी मैक्सिमम 5.9 डिवीजन है और मिनिमम 1.2 डिवीजन है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है तो आपको दे रखा है 5.9, जो मिनिमम है वो है 1.2 तो इन दोनों को अगर हम साथ में देखें तो हमारे पास ए और ए एम की वैल्यू आ जाएगी दोनों को ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी एम की वैल्यू आ जाएगी दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 4.7 डिवाइडेड बाय 2 तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होगा वो तो होगा मैसेज का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय ए फोर पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाय एक बार चेक करिए क्या ये सही बन रहा है एक बार आप सभी लोग बताइए कर कर पा रहे हैं समझ में आया या नहीं जल्दी बताइए कर पा रहे हैं समझ में आया या नहीं ठीक है ना गुड है तो इस तरह से आप देख सकते हो तो अगर हम देखें तो यहां पे यह कह रहा है कि यार अगर हमारे पास दो वोल्ट पर डिवीजन है तो कैरियर का एम्पलीट्यूड क्या होगा तो आप बोलो यार कैरियर का एम्पलीट्यूड अभी तो निकाला था हमने 7.1 पॉइंट वन डिवाइडेड बाई टू डिवीजन था सेवन पॉइंट वन वोल्ट आ जाएगा ठीक है ये भी हो पा रहा है कैरियर का एम्पलीट्यूड जो हमारा बन रहा है वो हमें सेवन पॉइंट वन डिवाइडेड बाई टू बन रहा था तो ये भी बन गया ठीक है ना ओके तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एम ब्रॉडकास्ट इज अलाउड टू ट्रांसमिट द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मतलब जो मॉड्यूलेट कर रहा है मतलब मैसेज तो मैसेज फ्रीक्वेंसी जो है वो पांच किलोहर्ज तक अलाउड है तो हमारी एएम स्टेशन की बैंडवर्थ क्या होगी तो अगर आप देखोगे हमारे मैसेज की जो बैंडवर्थ है वो फाइव किलोवर्ड है इसका मतलब जो हमारी ए एम की बैंडवर्थ होगी हो जाएगी टू टाइम्स ऑफ द मैसेज किलो दिलोवर्ड्स ठीक है अच्छा एक बात बताइए

फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है बैंडवर्ड हमेशा टू टाइम्स ऑफ एफ एम होती है ना क्वेश्चन अच्छा हमारे सामने आ गया है ठीक है ना इसमें मॉड्युलेशन इंडेक्स दे रखी है और यहाँ पर हमसे परसेंटेज एफिशियंसी पूछी है ठीक है ना तो पर्सेंटेज एफिशियंसी पूछिए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यार हम जब मॉड्युलेशन इंडेक्स हमें दे रखा है तो हम मॉड्युलेशन इंडेक्स वाला फॉर्म यूज करेंगे और उसको यूज करके अपना आंसर निकालेंगे अब देखिए देखिये द पीरियोडिक मैसेज हमें पीरियोडिक मैसेज दे रखा है ए ए और माइनस है आप देख सकते हो ठीक है ना अब यहाँ पे रखा है, पूछी है, तो ध्यान रखना है क्योंकि हमें मॉड्युलेशन इंडेक्स दे रखा है तो हम जो ए एम का फॉर्म यूज करेंगे वहां वो वाला करेंगे दैट इज दैरियर एम्पीट्यूड म्यू एम टी कॉस ओमेगा सी टी तो हम लिखेंगे ए सी कॉस ओमेगा सी टी ठीक है तो अगर हम देखेंगे तो ये जो कैरियर एम्पलीट्यूड है ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर बाई टू ए, पावर जो आ जाएगी सॉरी ए भी आएगा यहां पे ए सी भी आएगा अच्छा लिख दिया है ठीक है म्यू स्क्र ए सी कैप डिवाइडेड बाय टू ठीक है अब यहां पे चलो पहले एफिशिएंसी का फॉर्मुला लिख लेते हैं एफिशिएंसी हो जाएगी दिस पावर डिवाइड बाय टोटल पावर और आप देखोगे आ जाएगा म्यू स्क्ट बाई वन प्लस म्यू एफिशिएंसी अब मैंने जैसे बताया था आपको कि यार इस फॉर्म को लिखने के लिए आपको सबसे पहले नॉर्मलाइज मैसेज चाहिए ठीक है ना नॉर्मलाइज मैसेज चाहिए तो इस मैसेज को नॉर्मलाइज या किसी भी मैसेज को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं है मैसेज को हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं बोलोगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए है तो ए से डिवाइड कर देते हैं तो हमें नॉर्मलाइज्ड मैसेज मिल जाएगा नॉर्मलाइज्ड मैसेज मतलब इस तरह से ऐसे और ऐसे फिर ऐसे इस तरह से आ ऐसे चलता रहेगा आप देख सकते हो ये वन और माइनस वन होएगा बस क्योंकि हम ऐसे इसको एस डिवाइड कर देंगे तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा अब यहाँ पे अगर हम इसकी पावर देखें पावर कितनी आएगी पावर ऑफ द नॉर्मलाइज मैसेज तो आप बोलोगे पावर निकालने के लिए सर कुछ नहीं कर रहा होता वन अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर टाइम पीरियड कर देते हैं और क्योंकि पीरियॉडिक सिग्नल है तो इंटीग्रेशन ओवर टाइम पीरियड कर देते हैं मैसेज के स्क्वायर का तो एम कैप स्क्वायर टी कर देंगे डीटी अब देखो यार यहां पर या तो वन है या माइनस वन है आप स्क्वायर करोगे तो वन ही आएगा तो इसको आप वन डाल दो और इसका जो पावर आएगा वो भी वन ही आ जाएगा पावर भी वन आ जाएगा एक बार आप सभी लोग देखिए तो आप देख पाओगे दिस विल कम आउट टू बी म्यू स्क्वायर अपॉन वन प्लस इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी कैलकुलेटर कहोगे पूरा मेथड पूरा प्रोसेस पूरा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं तो आप देखेंगे आउट टू बी थर्टीन पॉइंट सेवन नाइन टू हंड्रेड भी कर देंगे परसेंटेज के लिए एक बार आप सभी लोग देखिए क्या ये पूरी तरह मेथड क्लियर है कि नहीं काफी अच्छा मेथड है मैंने आपको पूरी तरह एक्सप्लेन किया है कि भाई यहां पर हमें क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा है तो हम लोग नॉर्मलाइज्ड मैसेज का इस्तेमाल करेंगे ठीक है नॉर्मलाइज्ड मैसेज का इस्तेमाल करेंगे जो आप देख पा रहे हो ठीक है ना मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ओके चले आगे यहां तक ये भी समझ में आ गया ठीक है ना चलिए आगे चलें अब यहां देखिए, यहां पर हमें हमें कुछ दे दे रखा रखा है, है है? मतलब का, ठीक और आप देख सकते हो कि मैसेज जीरो डीसी वैल्यू है मैसेज की जीरो डीसी वैल्यू है इसका मतलब क्या है कि मैसेज सिमेट्रिक है जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है मैसेज इज सिमेट्रिक ठीक है ना मैसेज इज सिमेट्रिक वॉट विल बी द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द सिग्नल तो सबसे पहले हम देखते हैं एनवेलप है हमारे पास ठीक है और अगर हम देखें तो हमारा जो ए एम सिग्नल होगा वो ये होगा ये बन जाएगा अब यहां पे आप देख सकते हो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो चालीस है मिनिमम दस है इसका मतलब ए प्लस ए मैक्स वो है चालीस ए प्लस ए मिन इज इक्वल टू दस अब ए मैक्स और ए मिन हमारे मैसेज की वैल्यूज है ए मैक्स और ए मिन हमारे मैसेज की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं अब क्योंकि हमारे मैसेज का डीसी वैल्यू जो हमें सवाल में दे रखा है वो जीरो है तो मैंने बताया कि आपका मैसेज सिमिट्रिक होगा जितना ऊपर उतना नीचे तो मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होंगी ठीक है ना ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे मैसेज का मैक्सिमम वैल्यू ऐड करो तो 40 मिनिमम करो तो 10 आ रहा है ठीक है सिंस मैसेज हैज टू बी सिमेट्रिक भाई मैसेज को आपको सिमेट्रिक लेना पड़ेगा क्योंकि तभी लेंगे तभी उसकी डीसी वैल्यू जीरो होगी इसका मतलब ए मिन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए मैक्स बस इसी का यूज कर लीजिए ठीक है इस तरह से बन जाएगा आपका तो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है एम टी मैक्स डिवाइडेड बाय ए ना इस तरह से होता है एक बार आप देखिए कर पा रहे हो कि नहीं वैसे आप वाला फॉर्मुला भी लगा सकते हो जो आप लोगों ने शायद पढ़ा हो ए मैक्स माइनस एम इन अपॉन ए मैक्स प्लस एम इन वो जो डिवीजन वाला रहता है एनवेलप के ऊपर वो भी आप यहां पे लगा सकते हो उससे भी काम चल जाएगा बट एक बार देखिए आप सभी लोग कर पा रहे हो कि नहीं जल्दी बताइए क्या ये सब ठीक है एक बार देखिए आप सभी लोग कर पा रहे हो कि नहीं ठीक है ना मुझे तो ठीक लग रहा है आई होप आप सभी लोग यहां तक पहुंच पा रहे हैं तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया हमारे पास कैरियर का एम्प्लीट्यूड आ गया मैसेज का मैक्सिम मिनिमा भी आ गया तो सब कुछ आ चुका है अब पावर इन द साइड बैंड ऑफ द सिग्नल अब ये इंपॉर्टेंट है मुझे ये बताइए यहां पर मैसेज कैसा लग रहा है आपको मतलब डू यू थिंक मैसेज कैसा होगा तो आप बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर आप देखोगे एक तरह से हमें ये सिग्नल दे रखा है एक तरह से आप देख सकते हो ये पल्स हमें दे रखी है ये एनवेलप हमें दे रखा है ठीक है और हमसे पूछा है कि यार साइड बैंड पावर हमें बता दो कोई मुझे बता सकता है कि आपको मैसेज दे रखा है कि नहीं एसिमेट्रिक के लिए तो फिर हमें कुछ और देना पड़ेगा उसको दे हैव टू टेल यार हमारे पास जो मैसेज है वो सिमेट्रिक नहीं है एसिमेट्रिक है तो एसिमेट्रिक के केस में उसको कुछ मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि एसिमेट्रिक के केस में हमारे पास तीन वेरिएबल हो जाएंगे अगर हमारा मैसेज सिमेट्रिक नहीं है तो हमारे पास तीन वेरिएबल होंगे कैरियर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैसेज और मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैसेज ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे तो या तो उस सवाल में उसको हमें कैरियर एम्पलीट्यूड देना पड़ेगा तब जाके हम मैक्सिमम मिनिमा निकाल पाएंगे ठीक है ना तभी कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन दो है वेरिएबल तीन हो जाएंगे उस केस में तो बिना उसके हम नहीं कर पाएंगे अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये हमारा एनवेलप है एनवेलप जो होता है वो होता है ए प्लस एम टी ए हमारा ऑलरेडी ट्वेंटी फाइव है तो आप देख सकते हो ये जो एनवेलप है हमारा ये है ट्वेंटी फाइव प्लस मैसेज तो अगर हम मैसेज निकालना चाहें तो इसका मतलब इस सिग्नल को यो हमें दे रखा है उसको ट्वेंटी फाइव से सब्ट्रैक्ट कर दें ट्वेंटी फाइव से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कुछ ऐसा मिलेगा इस तरह से वेव मिलेगी एक ट्राइंगर एक सॉटूथ वेव मिलेगी एक सॉटूथ वेव टाइप की मिलेगी हमें जो पंद्रह और माइनस पंद्रह तक जाएगी तो एक तरह से ये हमारा मैसेज हो जाएगा जीरो कैपिटल टी टी वाइट अब यहां पे अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था क्योंकि सवाल के अंदर हमें एनवेलप दे रखा है एनवेलप से हमें पहले क्या करना पड़ेगा मैसेज निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि एनवेलप क्या होता है कैरियर एम्पलीट्यूड प्लस मैसेज दैट इज ट्वेंटी फाइव प्लस मैसेज ट्वेंटी फाइव सब्ट करेंगे तब मैसेज आएगा जो कि सॉटूथ वेव है अब अगर हम साइड बैंड पावर की बात करें तो साइड बैंड पावर हो जाएगी हमारे पास जो हमारा ए एम सिग्नल है वो ये है आपको पता है एसो मेगा सी टी प्लस एम टी जो बेसिक हम हमेशा बेसिक पे ही चलते हैं हमेशा जनरली अगर हमें मॉड्युलेशन इंडेक्स वगैरह नहीं दे रखा है तो बेसिक का इस्तेमाल करेंगे और यहां पे आप देख सकते हो कि हमारा जो साइड बैंड पावर है वो है मैसेज पावर बाई टू हमें तो एक तरह से मैसेज पावर निकालनी है इस सिग्नल की पावर निकालनी है ये एक ट्राएंगुलर वेव है और मुझे पता है कि आप सभी को ट्राइंगुलर वेव का पावर निकालना आता है ठीक है तो और सॉटूथ वेव है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है नेगेटिव पोर्शन को भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करना है तो इसकी जो पावर होती है मुझे जहां तक ध्यान है वो आती है हाइट स्क्वायर स्क्वाइडेड बाई थ्री डिवाइड बाई दर्थ या टाइम पीरियड जो भी आप ले तो मेरे हिसाब से इसकी जो पावर आएगी वो आएगी 15 स्क्वायर बाई थ्री एक बार देखिए क्या ये सही लिखा है मैंने है ना ठीक लग रहा है एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए क्या ये सही है एक बार चेक करिए क्या आप लोगों को इसकी पावर निकालनी आती है ध्यान है पावर आप लोगों को ये 75 आ जाएगा और अगर ये 75 आ गया तो ये आ जाएगा 37 पॉइंट्स बार आप सभी लोग देखिए क्या ये पावर आप देख पा रहे हो ट्राइंगुलर वेव की पावर आप निकाल पा रहे हो बताइए ट्राइंगुलर वेव की पावर आप लोग निकाल पा रहे हो चले आगे परफेक्ट परफेक्ट ठीक है ना इस तरह से आप ये सवाल कर सकते हो ओके ये हमारे पास कोई सिग्नल है ठीक है हमसे ये पूछ रहा है नॉर्मलाइज मैसेज की पावर बता दो तो आपके पास अगर कोई भी मैसेज है उसको नॉर्मलाइज करना है तो जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मलाइज मैसेज जो होता है वो तो होता है मैसेज डिवाइडेड बाय उसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैसेज तो देखोगे यार ये हमारे पास कोसाइन वेव है, ये भी कोसाइन वेव है, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा तो कॉस ओमेगा टू टी आपको याद होगा इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो टीव टू जीरो पर आएगा क्योंकि ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा तो ये आ जाएगा नाइन कॉस डिवाइडेड बाय 16 ठीक है अब अगर हमें इसकी पावर निकालनी है तो आप बोलोगे सर ये 9 बाय सिक्सटीन हो गया या फिर मैं करूं 1 अपॉन सिक्सटीन का स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी 9 स्क्वायर बाय टू इसकी हो जाएगी 7 स्क्वायर बाई टू एक बार चेक करिए कर, कर पा रहे हो कि नहीं ठीक है ना आ जाएगा पॉइंट टू फाइव थ्री नाइन ऐसा करके कुछ बनेगा एक बार आप सभी लोग देखिए कर पा रहे हो कि नहीं मुझे लगता है कर पा रहे हो कोई परेशानी नहीं है यह सवाल सिर्फ इसलिए डाला गया था जिससे मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में दो तीन बार बता दिया एक बार ये बता दिया एक बार पीछे वाला भी बताया था आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया क्या यहां तक सब कुछ ठीक है कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ठीक है ना परफेक्ट है तो मुझे लगता है ठीक है कोई परेशानी वाली बात नहीं है ठीक चलिए आगे चलते हैं अब ये कह रहा है कि यार अगर हमने मॉड्युलेशन इंडेक्स वन बाई टू रखा तो एफिशिएंसी क्या होगी तो आपको बस याद रखना है कि जब भी मॉड्युलेशन इंडेक्स दे रखा हो तो आपको हमेशा मॉड्युलेशन इंडेक्स वाली फॉर्म में लिखकर सॉल्व करना है। तो अगर आप एफिशिएंसी देखोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी म्यू स्क्सर पीएम कैप पी पीएम कैप कैप हमारे पास ऑलरेडी है नॉर्मलाइज मैसेज की पावर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो आंसर इन टू पॉइंट फाइव इसको अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम आ जाएगी दैट इज पॉइंट जीरो फाइव नाइन समथिंग आ जाएगी जिसको परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करोगे आ जाएगा एक बार आप देखिए कर पा रहे कि नहीं ठीक ना हाँ मल्टीटोन है क्या बात तो उससे क्या दिक्कत है इंडेक्स हमें वन बाई टू दे रखा है ठीक है ना मल्टीटोन ही सही उससे क्या फर्क पड़ेगा उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा ठीक है ना इस तरह से हमें सॉल्व करना है ठीक है आ, ये मल्टीटोन सिग्नल है एक तरह से दो वेव है दो अलग अलग है।, हमें दे रखा है, है तो हम बिल्कुल वही फॉर्म अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है मॉड्युलेशन इंडेक्स वाली उसको यूज करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे ठीक है दे बस यहाँ पर बताने का एक ही मकसद है कि यार आपको ना तीनों फॉर्म दिमाग में क्लियर होनी चाहिए और उन तीनों फॉर्म्स को यूज करना आना चाहिए दैट्स इट ओके okay, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ये भी अच्छा क्वेश्चन है इससे भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आप देख सकते हो ये हमारे पास एक मैसेज है जिसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें वन दे रखा है और हमसे एफिशिएंसी पूछा है एफिशिएंसी तो निकाल लेंगे अब तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी ध्यान हो गया होगा दैट इज म्यू स्क्वायर इनटू पीएम कैप डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू स्क्वायर इनटू पीएम कैप अब यहां पे ये यह बताइए कि नॉर्मलाइज इस मैसेज को नॉर्मलाइज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे वन से फाइव से या किस से बताइए इस मैसेज को नॉर्मलाइज करने के लिए हम किस वैल्यू से डिवाइड करेंगे इस मैसेज को नॉर्मलाइज करने के लिए हम किस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मलाइज्ड मैसेज इज इक्वल्स टू एम टी डिडेड बाय उसके मॉड की मैक्सिमम वैल्यू ठीक है तो आप बोलोगे यार ये जो है ना ये वन है और माइनस फाइव है ठीक है वन है और माइनस फाइव है तो इसका मैक्सिमम मॉड का मैक्सिमम वैल्यू क्या है मॉड का मैक्सिमम वैल्यू मॉड का इसलिए मैंने ये करा भी दिया सवाल भी करा दिया मोड का मैक्सिमम लेते हैं भाईयों ठीक है तो वन और माइनस फाइव जा रहा है तो इसका मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड जा रहा है का वो या बॉड्यूलस का वो फाइव जा रहा है एम टी अपॉन फाइव हो जाएगा ठीक है तो नॉर्मलाइज मैसेज हमारे पास आ जाएगा पांच से डिवाइड करने पर इस तरह से हो जाएगा यह आ जाएगा वन बाई फाइव मतलब पॉइंट टू और यह आ जाएगा माइनस वन आधे टाइम पीरियड के लिए पॉइंट टू हो जाएगा और बाकी टाइम पीरियड के लिए हो जाएगा ठीक है माइनस वन हो जाएगा तब तो आप इसकी पावर निकाल सकते हो बड़े आराम से इसकी पावर निकालते हैं इसकी पावर जो आएगी वो आप बोलोगे सर पावर आ जाएगी वन अपॉन टाइम पीरियड लेकिन जीरो से आधे टाइम पीरियड के लिए पॉइंट टू का स्क्वायर है और टी बाई टू से लेकर टी तक के लिए ये वन का स्क्वायर है पॉइंट फाइव टू है एक बार देखना जरा पावर सही है कि नहीं ठीक है ना तो हमारी जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने सवाल में वन दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ना देख लीजिए आ रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए ये बनना चाहिए मेरे हिसाब से चेक करिए क्या आप सभी लोग कर पा रहे हो यहां तक आप सभी लोग पहुंच पा रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप देखना मैं आपको जब कल पीवाई क्यू कराऊंगा इसके आप सारे पीवाई क्यू कर पाओगे ए एम एफ एम बहुत सिंपल आता है तो अगर कोई बच्चा कोई कहता है कि नहीं सर मैं कम्युनिकेशन नहीं पढ़ पा रहा हूं भाई ए एम एफ एम इंफॉर्मेशन थ्योरी एमएल और मैप रूल देखो पूरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि नहीं सर मुझे छोड़ना है यार, तो आप रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस इतना तो कर लो जो बेसिक सवाल हो जाए ठीक है वो हम यहाँ पे कवर भी करेंगे उसके बाद मैप रूल एम एल रूल इतना कर लो जितना हो जाए ए एस के पी एस के एफ एस के इतना कर लो जिससे बेसिक और मीडियम लेवल का सवाल हो जाए इंफॉर्मेशन थ्योरी के बेसिक चीजें पढ़ लो जिससे आसान सवाल हो जाए तो वही चीजें करनी है और अपने को इतना ही दिमाग में रखना है ठीक है ना चलिए ओके अब यहां पर अगर हम देखें तो दो तीन बातें और हैं पी के अनवेल पावर क्या होती है टोटल ट्रांसमिटेड पावर क्या होती है ठीक है ना ओके अगर हम सिंगल टोन मॉड्यूलेशन की बात करें जो कि जनरली हम इसी की बात भी करेंगे सवाल जो आता है जनरल इसी का आता है सिंगल टोन मॉड्यूलेशन सिंगल टोन मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें सिंगल टोन मॉड्यूलेशन मतलब जो हमारा मैसेज है वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है तो हमारा जो एम सिग्नल हो जाएगा हो जाएगा यहां पर आप मॉड्युलेशन इंडेक्स भी देख सकते हो भाई हमारा कैरियर ये है ए एम्पलीट्यूड तो मॉड्युलेशन इंडेक्स हो जाएगा एम अपॉन ए ठीक है इसको अगर हम लिखेंगे इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए एम पॉस ओमेगा सॉरी पॉस ओमेगा एम टी पॉस ओमेगा कॉमन ले लिया अब यहां पे अगर हम बात करें इसके दो तीन बातों की ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे अगर हम बात करें दो तीन बातों की तो इसमें सबसे पहले आती है पीक एनवेलप पावर पीक एनवेलप पावर तो मतलब जब एनवेलप अपनी पीक पर होगा पीक तो इस मतलब सिग्नल की पावर क्या होगी इसको बोलते हैं पीक एनवेलप पावर तो अब रू भाई जब हमारा एनवेलप एनवेलप मतलब ये वाली टर्म मैक्सिमा होगी तब हमारे सिग्नल की पावर क्या होगी एट पीक एनवेलप यह हो जाएगा a प्लस ए एम ठीक है और इसको हम क्या बोलेंगे इसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी a प्लस ए एम होल स्क्वायर बाय टू याद रखिएगा पीक एनवेलप पावर जो होती है वो इसके बराबर होती है कैरियर एम्पलीटूड प्लस जनरली सिंगल टोन की बात होती है हमेशा सिंगल टोन में लिया जाता है या किसी में भी हो सकता है बस ए एम की वैल्यू हमें पता चल जाएगी या कैरियर की हमें पता चल जाएगी जनरली सिंगल टोन में लेते हैं ऐसा कुछ ए प्लस ए एम होल स्क्वायर बाई टू ये हमारी पीक एंड पावर होती है ठीक है ना ओके okay. अब यहां पर अगर हम बात करें एक सवाल है हमारे पास तो कंसिडर एन ए एम सिग्नल विद हंड्रेड परसेंट टोन टोन मॉड्यूलेशन मतलब सिंगल टोन मॉड्यूलेशन और 100% का मतलब है म्यू की वैल्यू 1 है ठीक पीक एनवेलप पावर हमें दे रखी है ठीक है पीक एनवेलप पावर किसके बराबर होती है जैसे मैंने बताया था सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में हम क्या लिखेंगे एम सिग्नल हमारा सिंगल टोन में क्या हो जाता है ए प्लस एएम cos ओमेगा एम टी सी तो हमारी जो पीक एनवेलप पावर है हो जाएगी ए प्लस ए एम होल स्क्वायर बाई टू और क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा वन है मॉड्यूलेशन इंडेक्स किसके बराबर होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है मैसेज का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय ए क्योंकि वन के बराबर हो गया इसका मतलब ए एम और ए बराबर हो गए इसका मतलब ए एम और ए बराबर हो गए या हमें दे रखा है बत्तीस किलो हर्ट बत्तीस किलो वॉट सॉरी ए एम और ए बराबर हो गए तो टू ए होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे या फिर आ जाएगा टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बत्तीस हजार यहां पर अगर हम डाल देंगे इसको इसको अंडरूट कर देंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक तरह से सोलह हजार गई हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे सवाल में हमसे पूछ रहा है कि विल बी दावर पावर तो ठीक है वो तो अलग चीज हो गई हमसे टोटल ट्रांसमिटेड पावर पूछ रहा है मतलब इस सिग्नल की पावर पूछ रहा है इस सिग्नल की अगर हम बात करें इसके अंदर आएगा ए कॉस एम कॉस्ट ओमेगा एम टी हमारा मैसेज है ओमेगा सी अब बोलोगे यार इसकी जो पावर है वो है ए स्क्वायर बाई टू और हमारे जो मैसेज की पावर है वो है एम स्क्वायर बाई टू लेकिन कोसाइन से मल्टीप्लाई होने के बाद एक बाई टू और आ जाएगा अब बोलोगे ए स्क्वायर बाई टू एम स्क्वायर बाई फोर हमारी टोटल ट्रांसमिटेड पावर हो जाएगी और क्योंकि ए एम और ए बराबर होते हैं तो आप दोनों को डाल सकते हो यहां पे ए एम और ए बराबर होते हैं ए स्क्वायर बाई दैट इज पॉइंट सेवन फाइव ए स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है आप उठा के डाल दीजिए सोलह हजार इंटू पॉइंट सेवन फाइव आ जाएगी बारह हजार एक बार आप चेक करिए यहां पर हमने कंसेप्ट देखा पीक एनवेला पावर का मेनली ठीक है ना चलिए ओके तो इस तरह से आप चीजें देख सकते हो ठीक है ना ठीक है चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके पास मैसेज है आपके पास मॉड्युलेशन इंडेक्स है आपके पास वो ही पूछे विल बी द नहीं इंडेक्स 25 अच्छा 25 फाइव परसेंट मॉड्युलसी दे रखी है ठीक है हमसे मॉड्युलेशन इंडेक्स पूछा है तो बहुत ही सिंपल है आपको इस सवाल में मॉड्युलेशन इंडेक्स वाला फॉर्म याद करना है क्योंकि हम तीन चार बार लिख चुके हैं तो मैं डायरेक्टली यहां फॉर्मुला लिख रहा हूँ नहीं तो आप एग्जाम हॉल में डायरेक्टली मत लिखना जरूर ध्यान से रखना कि हमारा ये कुछ इस तरह से होता था म्यू स्क्स म्यू स्क्सी आपको दे रखिए पॉइंट टू फाइव या ट्वेंटी इंडेक्स हमसे पूछा है पीएम कैप कहा से आएगा तो आप ध्यान रखो पीएम कैप मतलब नॉर्मलाइज मैसेज का पावर हमारे पास ये मैसेज है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू ए या माइनस ए है इसको नॉर्मलाइज करना है आप बोलोगे नॉर्मलाइज करने में कोई बड़ी बात नहीं है इसको ए से डिवाइड कर दो ठीक है ना इसको नॉर्मलाइज कर दो ठीक इस तरह से नॉर्मलाइज हो जाएगा ठीक है तो आप देख सकते हो कि यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए और इधर माइनस वन हो जाएगी वन और माइनस वन जीरो से लेकर टी तक अब आप नॉर्मलाइज मैसेज की पावर अगर निकालोगे नॉर्मलाइज मैसेज सबका आ गया नॉर्मलाइज मैसेज की पावर आई होप आप सभी को सिग्नल सिस्टम में ध्यान भी होगा दैट इज ट्राइंगुलर वेव है तो हाइट स्क्वायर इन टू डिवाइडेड बाय थ्री डिवाइड बाय विर्थ कर देंगे क्योंकि पावर निकाल रहे हैं तो आप बोलोगे सर हाइट स्क्वायर इंटू विर्थ डिवाइड बाई थ्री और डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर देंगे क्योंकि पावर निकालें तो वन बाई थ्री आ जाएगा एक बार चेक करो इसको अगर आप देखोगे तो आ जाएगा आ जाएगा एक बार चेक करिए क्या ये कर पा रहे हैं आप लोग आ रहा है एक बार चेक करिए हंड्रेड परसेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ रहा है या हंड्रेड परसेंट मॉड्यूलेशन आ रहा है एक बार आप चेक करो चले आगे तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सभी को चीजें समझ में आ चुकी है कोई परेशानी वाली बात नहीं है ठीक है ना तो ये हमने क्वेश्चन किए और कुछ हमने सीखा एम को ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कर लिया DSBSC कर लिया अब पेपर में एस एस बी और वीएसबी बहुत कम आता है तो पहले हम कल की क्लास में सारे पीवाई क्यू सारे जितने भी ए एम के पीवाई क्यू है वो करेंगे उसके बाद एस एस बी और वी एस बी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एफ एम को देखेंगे तो कल की क्लास का हमारा ये टॉपिक रहेगा Thank you dear students. Bye bye. Take care.